इंसान को जानना है, नोइंग द बेस्ट मैन, एंड फॉर दैट वी पिक्ड अप द फाइनेस्ट ऑफ मैन प्लेटो, और उसका फिलोसोफर किंग देखा हमने, निकोलो मैकियावेली का द प्रिंस देखा हमने, दी ग्रीक किंग, दी जर्मन किंग फ्रेडरिक विलियम नीट्शे का उबरमैश, द सुपरमैन देखा, एंड देन वी मूव्ड फॉरवर्ड टू सी इब्ने अरबी का द सुपरमैन, और हम सर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, वो इंसान जो शायद अगर इस दुनिया में मौजूद ना होते तो मैं एक बहुत बेहतरीन एथिस्टिक डिबेट्स में एथिज्म की तरफ से आया करता और दीनी लोगों को तंग किया करता। तो और डॉक्टर इकबाल अपने मुतालिक कहते हैं कि अगर वर्ड्स वर्क ना होता तो इकबाल एथिस्ट होता। तो हमने एक बेहतरीन इंसान का तसव्वुर देखने की कोशिश की, मगर अगर बात है कि आज के इंसान का सबसे पहली बात यह कि उसका कायनात पे कोई मौकिफ ही नहीं है। कायनात दो फॉर्म्स में जहूर पजीर हो रही है हमारे सामने, एक है ऑब्जेक्ट और एक है सब्जेक्ट। कितना आसान वर्ड, और हमने इसको कितना वी जस्ट थ्रोन इन आउट नो वे। कैन आई गेट द मार्कर प्लीज, डू वी हैव द मार्कर? कोई नहीं, ना भी तो जस्ट आराम से जाना यार, मस्जिद भी आराम से जाते हैं, इतना जाने के उधर 15 फ्राउन किसी ने हुक्म दिया है भाग के लेकर आऊ। सुने, कायनात का सबसे बड़ा मसला यह है कि 20-20 की सबसे बड़ी बीमारी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम की उस वहां से हम पॉइंट शुरू करेंगे, सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन हमारे सामने आएगी। सारा दिन हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करा रहे होते हैं कि कायनात में मानवीयत पैदा की जाए, इंसान उदास है और उदासी की वो वजह नहीं जानता कि वो उदास क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप को एलिनेटेड पाता है कायनात के अंदर, ही डज नॉट फाइंड ए मीनिंग इन द यूनिवर्स, एंड हियर कम्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर वेयर आई एम स्टैंडिंग, जीरो। कैन आई टर्न ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइट्स प्लीज? A bit safe. No, sorry. Oh, sorry. It's even good enough now. Okay, no issue. सुनिए क्या बात है? हमें financial statements बताती हैं zero बहुत बड़ा loss है, इसकी तरफ कभी ना देखें, इसकी तरफ बात ना करें। हमें symbolism में semantic studies में बताया जाता है कि सिफर एक नुकसान है, मगर हम ये जानना भूल जाते हैं कि whenever I look at this thing, that means everything. Can someone elaborate how this is everything? Zero, जब पाइथागोरस जिसने पहली दफा नंबर्स इजाद किए, उसने कहा था कायनात में दो तरह की हकीकतें हैं, एक नंबर्स और एक नंबर से निकलने वाली आवाजें। There is no third real thing existing according to Pythagoras, who was a Greek prophet, वो जमाने में अपने आप को क्लेम करता था। हमें बता दिया गया ये बहुत बड़ा लॉस है, इसकी तरफ तवज्जो ना करें, ये तो फॉल होने की निशानी है। But when I look at this number, I realize that plus one से लेके infinity और minus one से लेके infinity को अगर मैं सम नंबर एक जगह पे इकट्ठा करूं, that becomes zero. So if your life is zero, it's a possibility of doing everything which has not been done before. कायनात में जो कुछ आज तक नहीं हुआ, तुम गिरे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी सिफर के पास है, यू कैन डू दिस बिकॉज राइट नाउ यूर जीरो। कितनी बड़ी गलती देखें जो दो कर बैठता है, दो अपने अलावा कुछ नहीं बन सकता, इट्स अ लॉक। मगर जब तुम सिफर होते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत होती है बहुत कुछ करने की। मैं अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, रैंडी पॉश, द लास्ट लेक्चर आई वाज गिफ्टेड। रैंडी पॉश दुनिया का पहला वर्चुअल इंजीनियर था जो कि बहुत मशहूर हो रहा था, और उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि अपने उसे कैंसर हो गया। जब उसे कैंसर हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का आखिरी लेक्चर दिया, जिसे उसने लास्ट लेक्चर का नाम दिया। उसमें उसने इतनी दफा अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया जितना एलिस इन वंडरलैंड का जिक्र किया, क्योंकि ये वो किताब है जिसने उसको मानी दिया जिंदगी के जीरो। हमें बताया जाता है कुछ भी नहीं है, मगर इसी जीरो से हमें कायनात के तमाम राज खुलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं कि कायनात एक वक्त एक ऐसे मुकाम पर मौजूद थी कि वो थी ही नहीं। हमें बार बार बताया जाता है चीजों को बनाओ, हमें पहले यह सीखना चाहिए कि चीजों को रोकते कैसे हैं। अजब बात है कि हम जब जीरो की एनर्जी को देखते हैं तो उसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन एलिस इन वंडरलैंड से बेहतर नहीं मिलती। यह बात मैं बहुत दफा दोहराता हूं तो मैं आज दोबारा दोहराऊंगा। एलिस इन वंडरलैंड सर स्टीफन हॉकिंग, जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ग्रैंड डिजाइन, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के भी राइटर हैं, वो भी बार बार इस्तेमाल करते हैं कि जब एलिस भागी भागी रैबिट के पास आई, शी वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम, उसने आगे होल देखा। उसे जब आगे होल देखा तो उसने क्या करने की कोशिश की कि उसने रैबिट से पूछा, वेयर डज द होल लीड, अरे ये होल कहां जाता है? तो
रैबिट ने यूं मुड़ के पूछा, एलिस वेयर यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? Starting up from the same stuff which I've repeated recently in some place. When I look at this box, and if I throw this box, it थोड़ी सी आवाज़ पैदा करता है ज़िंदगी में, थोड़ी जान पैदा करता है, ठीक है? कितना बेताकत सा box है, and it just still fell down and it produced some noise. अपनी presence को कायनात में बताने की कोशिश करता है. हमारे lecture की जो आज बड़ी बात है, हमने सबसे अहम देखना है कि जो यूनिवर्स है, इसकी अखलाकी हैसियत क्या है. मैं इसकी साइंसी हैसियत पे बात करूंगा ताकि आपको यह खौफ ना लगे कि मैं उससे छुप रहा हूं. पर इस डब्बे की अखलाकी हैसियत क्या है, व्हाट्स द मोरालिटी ऑफ दिस बॉक्स राइट नाउ? क्योंकि आपके मुताबिक ये बोल नहीं रहा, बट एवरी टाइम आई नॉक इट, इट स्पीक्स समथिंग, इट रेजिस्ट अबाउट इट्स ओन एग्जिस्टेंस. थोड़ा फलसफियाना सा मौजू है, लेकिन आप इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. फिर हम आगे दोबारा वापस स्लाइड पे आते हैं, देन वी सी जीरो, अ नंबर जिसके अंदर सब कुछ डूबा पड़ा है. जिस चीज को आप बेजान कह रहे हैं ना जनाबे वाला, ये प्लास्टिक दुनिया के पता नहीं किस कोने में बना, कराची में मैन्युफैक्चर हुआ और आज अपने आप को यहां मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम सबके सामने. वो कुर्सियां जिनके ऊपर आप बैठे हुए हैं, इनकी लकड़ी किसी जंगल में ऐसे सीड करके बिखी, बारिशें हुई, वो उगी, कटी, ट्रैक्टरों पे डली, मार्केट्स में होती होती, दे केम टू अस एंड दे इवन हैव अ मोरालिटी. बट वी आर सो मच कॉट बाय द साइंस कि हम हर चीज का सिर्फ साइंसी पहलू लेते हैं और अखलाकी पहलू के आगे हमारे पर्दे डले होते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशंस गलत है. जैसे कि इस नंबर से हम अगर स्टार्ट लें तो इट रिफ्लेक्ट्स फेलियर यूजली. मेरा सिफर नंबर ना आ जाए, सिफर मीन्स यू कैन डू इट बेटर देन एवर. नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. Because when I look at the universe, there was a time it was not existing. Avalam yarallazina kafaru anna samawati wal arza kanat ratkan fafa taknahuma. Ae kuffar, kya tum log dekhte nahi ye kainat ek hi mukam par maujood the aur humne inko phaad kar alahda kar diya. When I look at this eye, to mujhe pata chalta hai ki it was just like this. ये जो स्पॉट लिटरली हमारी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इससे ज्यादा कायनात की हैसियत नहीं थी एक वक्त में, और ये ज्यादा बड़ा है. हमारे लैपटॉप, हमारी कीज, हमारे सस्पेंडर्स, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, नबाता जमाता दरिया समुंदर प्लैनेट्स नेब्यूलास, सब कुछ एक जमाने में कुछ नहीं थे, अवेलेबल बतेवर अवेलेबल. जीरो को हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस. जब होना ना होने की कैफियत पे जाना जाए तो वो सिफर हो जाता है. जैसे कि मैं अभी बाहर चला जाऊं, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा और वापस आऊंगा तो अब मैं 1 करोड़ पॉसिबिलिटीज के साथ वापस आ सकता हूं. डोंट लॉक योर सेल्फ विद द साइंस व्हिच इज टीचिंग यू, डोंट लॉक योर ब्रेन विद व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर लर्निंग. दाना वो नहीं होते जो जानते हैं, दाना वो होते हैं जो नहीं जानते. सुकरात बार बार कहता था आई नो दैट आई नो नथिंग. तो किसी ने पूछा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, उसने कहा मैं ये बात कहकर दाना वाइज मैन हो जाता हूं कि मैं ये जानता हूं मैं नहीं जानता. वरना कई लोग दलील दर दलील देके ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो जाहिल है, एक से एक बड़ी दलील देते जाएंगे अपनी जहालत की. मैथमेटिकली ये कैसे मुमकिन है कि एक जमाने में कुछ ना हो कायनात में और यकदम पूरी कायनात बाहर आ जाए? जब सुल्तान बशीर महमूद साहब ने उस चीज को प्रपोज किया तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा, इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी. वैसे तो ग्रेविटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, मगर किसी भी दो चीजों के दरमियान अगर हम आर स्क्वायर जीरो करते तो 1.0 क्या होता है? वाओ. सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंफिनिटीज. कायनात का एक सबसे बड़ा सवाल यह कि कायनात खुदा ने इसी सूरत में क्यों पैदा किया. तो दोस्तों आज के लेक्चर की सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग पर्सनल ग्रूमिंग के स्टूडेंट हैं, वक्त बहुत ज्यादा है, अभी आराम से इस बात को समझे कि हम काफी अरसे से कायनात को फकत साइंसी हैसियत में देख रहे हैं. सर ये क्या है? सर ये मार्कर है, ये इसका कैप है, ये इसका बो है, ये इसके अंदर इंक जहां से जलती है, ये बिकता है, ये आ जाता है, ये राउंड है, वगैरह वगैरह, ब्लू व्हाइट ब्लैक तीन रंगों से भरा. गॉट इट? व्हाट्स द मोरालिटी ऑफ द पेन?
No one knows. Because I care about the morality of the thing, because Surah Zalzilat mein mujhe baar baar sunne ko mil raha tha, yawma izan tuhaddisu akhbaraha. Ye kainat, ye zameen tumhare khilaf khabrein dengi. So the land I'm standing on has something to say today which I can't listen. And I can't listen that today because maine aaj tak usko us tarah dekha nahi. Yaad rakhiyega, shay apne wahi wasf aap pe kholti hai jis tarah aap usko dekhna chahte hain. हर शय आपको सिर्फ अपने उसी तरह के वस्त्र दिखाती हैं जैसा कि वो आपको दिखा, जैसा कि आप देखना चाहते हैं. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जब कोलंबस की शिप दरिया से लगी रेड इंडियंस के, तो उसको रेड इंडियंस को शिप नजर नहीं आ रही थी. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? सॉरी, there could be a ship. Right now, if taking atheist people constant for a while, we all believe ki hamare sath do farishte hain. True, false? Kahan? No. Where are they actually, I'm asking? No, theek hai, nazar kyun nahi aa rahe? Sorry? That means ki unka nazar aana zaruri nahi hai. Ye kya baat? वो हमारा आखिरी हिस्सा है. वो सवाल और जवाब आते हैं, आप जरूर पूछिएगा. ये जहूर की बड़ी तरीन निशानी होती है कि याद रखें, सबसे बदसूरत शय वो होती है जो आंख देखे और उसे इमेजिन करने की जरूरत ना पड़े, वो बदसूरत होता है. याद रखिएगा, ये अपनी डेफिनेशन फिलोसफी में जाके आप करेक्ट करेंगे, मैं नहीं करा सकता. वो शय जिसको एक दफा देखें और इस तरह कर लेना, बस वो शय फिर बस शय ही थी. वो शय जिसको आंख देखे और दिमाग पागल हो जाए काम करने के लिए, उस शय को खूबसूरत कहते हैं. एक शेर सुना देता हूं कि हर हर कुंडल कुंडल उते, मेरे आकाए दो जहां के बाजू पीछे जाते थे, कि हर हर कुंडल कुंडल उते आशक दा दिल डोले, हुसन तेरे दी सिफत की आखा काफर कलमा बोले, नबी जी देखा नहीं कोई आपसा. वो हर शय याद रखे बदसूरत, और सूरत खूबसूरत को हम इसी आंख से ही देखते हैं. तो वो शय बदसूरत है जिसको देखने के बाद आम की टांगे लड़खड़ाए ना. कोई वो शय जिसको आप देखें और उसके बाद दिमाग में हलचल मच जाए और आपको मैनिफेस्टेशंस हायर मैजेस्टी की तरफ करने पड़े, वो ब्यूटीफुल चीज कहलाई जाती है. तो वरना हम रेगुलरली अगर हर शय खूबसूरत लगे तो रुक जाए ना, हम रोड पे हर पत्थर पे पागल हो जाए, आगे ना जाएंगे. वो जो हमारा महबूब है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है हमारे लाइफ. तो हमें अमूमन बुले शाह साहब ने फरमाया था कि हमें फरिश्ते इसलिए नजर नहीं आते कि हमें मालूम ही नहीं हम फरिश्ते होते क्या हैं. जब ये टास्क दुनिया के सबसे बड़े पेंटर, जिसमें कोई दो राय नहीं, लियोनार्डो डा विंची को दिया गया, उसे कहा कि खुदा बनाओ, तो उसने एक बुजुर्ग को दाढ़ी लगा दी. यू कैन थिंक समथिंग एल्स. अभी मैं आपको कहूँ फरिश्ता बना है, अच्छा चलो यार मौलवी साहब भी आ जाओगे, अच्छा जो टीचर है ना एक्सरसाइज करना, जो बना के दिखाओ. आप एक बंदे को दो पैर लगा देंगे, मैक्सिमम दाढ़ी बड़ी कर देंगे, चोला बड़ा कर देंगे, होला बना देंगे, फिर पर बना देंगे. हम हर शय को अपने मुताबिक देखने की इस आदत में डल चुके हैं. मैं यहां बात जो बताने आया हूं उसका वाइजान, उसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि जो पर्सनल ग्रूमिंग के स्टूडेंट्स को अखलाक के हवाले से ह्यूमन इंटरेक्शंस बताई जा रही हैं वो ठीक हैं. हम आज बात करने आए हैं कि वो चीजें जैसे जो कायनात में शामिल हैं, पंखा, छत, प्रोजेक्टर, जो गुफ्तगू नहीं कर रही मगर उनका खालिक और आपका खालिक सिमिलर, उन चीजों की अखलाकी हैसियत क्या है जो हमसे काफी अरसे से छुपी हुई है. पिछली स्लाइड जो मेरे इस वक्त मेरे बैग में अवेलेबल है, इसके राइटर शाह वलीउल्लाह दहलवी हैं, जिनकी मशहूर तरीन किताब द कंक्लूसिव आर्गुमेंट फ्रॉम गॉड है, हुज्जतुल बालिगा, कुल फिलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कुरान की आयत से उन्होंने इसे चुना था कि बेशक फाइनल एविडेंस अपनी जात के बारे में मैं दूंगा और तुम लोग नहीं दोगे. तो उन्होंने बताया कि कायनात इंसानों के सामने तीन रूप में खड़े होने की कोशिश करेगी. उसकी पहली शय है इब्दा. इब्दा वो मट्टी है जिससे इंसान बनता है. इसके माने ये है कि मट्टी पहले थी और इंसान बाद में था. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग. अब आपको कभी दो राय नहीं होनी चाहिए कि शायरी में मट्टी का इस्तेमाल शायर इतना ज्यादा क्यों करेगा हमेशा. जब हम इब्दा से आगे आते हैं तो हम आते हैं खलक पे. इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज,
वगैरह वगैरह, और हमारे पास कई आयात आती जाती हैं। फिर हमने इंसान को इन्ना खलकना इंसान मिन तीन लाज़ब, हमने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इब्दा से खलक होता है, इब्दा वो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो पहले से मौजूद थे, और खलक वो चीज़ें हैं। यार आई गेस डोंट टेक नोट्स, जस्ट स्टे हियर विद मी फॉर अ व्हाइल, क्योंकि हम डेढ़ घंटे में सारी स्लाइड खत्म कर लेंगे। आई विल ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैथ्स, रिलीजन, थियोलॉजी, फिलोसफी, एनीथिंग। और आखिर में है तदल्ला, द हार्मनी ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जरा, मैं जल्दी जल्दी चलूं टू द हाँ चले कर लेते हैं बात। आई एम गोइंग वेरी क्विक टुडे, सॉरी फॉर दैट। यार ये दो ऐसी सिफात हैं जिनको जानने के बाद जब आप पत्थर उठा के किसी को मारने लगेंगे ना, तो एहतियात से मारेंगे। इस वजह से नहीं कि वो मुनकर या मुशरिक है, इस वजह से कि आपके हाथ में पत्थर है। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी के दरवाजे पर टांग मारने लगेंगे गुस्से में, तो शायद वो मुनकर मुशरिक काफिर को ख्याल में रहम लाते हुए भी, मगर आप उस बात पे भी दरवाजे की तरफ भी ध्यान करेंगे कहीं इसकी आहो बका कुछ ज्यादा ऊंची ना हो जाए। अल खलक, लास्ट स्लाइड नंबर, अल्लाह खालिकुल बारी अल मुसव्विर लहु अल अस्माउल हुस्ना। खुदा खालिक है, और खुदा खलक करने के बाद चीजों को बरी कर देता है। बरी के मानी ये है, जिस तरह हम सुनते हैं कि जेल से लोग बरी हो जाते हैं, तो वो लोग चीजों को बरी कर देता है। ये बड़े तरीन मौजूद की निशानी होती है कि वो अपनी चीज को अलहदा कर दे और वो अपना ऑटोमेशन पे सारी उम्र गुजार सके। और आखिर में वो बदी है, मुनफरिद चीजें बनाने वाला। अब जब ये आयत हमारे सामने आती है, तो हमें पता चलता है कि कायनात, जैसे मैडम कह रही थी नजर नहीं आती, तो कायनात का अगर मैं पैंथियस्टिक व्यू लूं तो मुझे ये समझ आती कि हर शय, अभी रंग गाने में भी उन्होंने डाला है कि मैं तो जब देखूं मोरे संग है नहीं। नाउ आई टेक केयर ऑफ द यूनिवर्स। लेस्ली हैज़ल्टन द फर्स्ट मुस्लिम की राइटर, जैसी किताब शुरू करती है तो अकाय दो जहां के बारे में उसने जो चैप्टर नंबर 1 लिखा है, वो कोई अखलाक से शुरू नहीं किया, वो अकाय दो जहां के तरीका वॉक से शुरू किया। छोटे कदम, निगाह नीचे, बाल पीछे, चेहरे पे मुस्कुराहट, नूर ही नूर। मतलब कि इतना रहम, इतनी एहतियात। आप अहमद जावेद साहब से मिले, वो बैठते भी एहतियात से हैं। कायनात में शऊर और शऊर एक दूसरे का कुछ ना कुछ ख्याल रख लेंगे। ताकत या शफकत हमेशा उस शय की तरफ दिखानी होती है जो आपके सबॉर्डिनेशन में आती है। आपकी सबॉर्डिनेशन में जब आप ये सिफ्ते खुदा की तरफ थोड़ी देर निगाह डालते, तो आपको पता चलता है ये सारी चीजें वहीं से बरी होके आई हैं। यार अनदर ख्याल करो, इनके इनके बारे में एहतियात से काम लो। अरे क्या करो, वॉच आउट, वॉच आउट। अब जब ये बात मैं देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि अबू जहल फरमाता है, कहता है, वैसे उस जमाने के मुशरिक की भी इज्जत इज्जत से फील होती है, समझ से बाहर है। अबू जहल कहता है कि बताइए मेरे हाथ में क्या है। अकायद जहां सारी उम्र अपने आप को मैजिक से दूर रखा, मैं तुम्हें बशर बन के पैगंबर बन के दिखाऊंगा, इतनी ताकत मेरे हाथ में होगी मगर मैं तुम्हें बशरियत के तकाजों में मिला करूंगा। जिब्रील आते हैं, या रसूलल्लाह बताइए मैं इनके सर पे पहाड़ियां दे मारूं। जिब्रील, आप वो नहीं देखते जो मोहम्मद देखता है, मैं खुदा के नूर से देखता हूं। गौर से अगली बात सुनिए। अब उसके हाथ में कंकर है, कंकर हमने पहली स्लाइड पे देखा यूनिवर्स का मोर इनटेंजिबल, सॉरी नॉन लिविंग थिंग, हमें पढ़ाया गया इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। और आकर तो जहां जाते जाते कहते हैं, हाँ सर, यू गॉट अ क्वेश्चन? यस, व्हाट्स इन माय हैंड? ओके, एंड तू मैनू दस यार, मैं तेनू जवाब दिया मेरे हाथ च की है, या तेरे हाथ वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं। खुदा की कसम, कायनात में मैंने मैजिक एक ही वर्ड को समझा जहां साइंस या जहन ना पहुंचे, उसको मैजिक या मोजा कह देते हैं। मोजा एक ऐसी कैफियत है जो मेरे दिमाग को भी समझ नहीं आई, और मैंने वो गैप फिल करना है ना, वरना तो तजलजल जहन, उसे मैं मोजा कह दूंगा। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मैं बताऊं, यह तेरे हाथ मुट्ठी में चीज है वो मेरे ऊपर गवाही दे। और अकायद हो जहां के बारे में हैरान हो कि वो हाथ खोलते तो पत्थर बोलते हैं, मैं नहीं लिखता। थॉमस कार्लाइल को लें, लेस्ली हैज़ल्टन को लें, गोएटे की बड़ी तरीन नज़्म अली और मोहम्मद के मुकालमे को लें,
वो पत्थर खड़े होकर बोलते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार हमारे लिए तो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो गवाही कैसे दे रहे हैं? इसलिए कि हमने उन्हें आज तक पत्थरों से ज्यादा जाना ही नहीं, हमने उन्हें औकात से देखा ही नहीं, हमने उन्हें इज्जत से देखा ही नहीं। हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं चीजें दो ही सूरतों में छोटी नजर आती हैं, या गरूर से देखो या थोड़े दूर से देखो। तो लिख लें, मेरी दरखास्त है, बहुत टाइम इसी पे सवाल है जो आप, मतलब कि अगर कोई सवाल तो आप लिखें, इंस्टेड के वो अगर पूछेंगे मैं बहुत बुरे तरीके से रुक जाऊंगा। वो आपको पहले भी नजर आ रहा है मेरे को इतना स्ट्रक्चर्ड इंसान तो नहीं लग रहा बोलने से। तो यहां पे हमें समझ आती है कि जब मैं बरी की सिफ को देखता हूं तो मैं अपनी मोरालिटी निभाने की कोशिश करता हूं उन अशिया की तरफ, जो अशिया मुझे अगले 10,000 सालों में भी शायद अपने आप में कोई नुकसान ना दे सके। हज़रत वासिफ अली फासिफ किताब के नाम किरण किरण सूरज में फरमाते हैं चीजें दो ही सूरतों में छोटी नजर आती हैं, या दूर से देखी जाए या गुरूर से देखी जाए। अजब बात है कि जब हम इन खुदाई सिफात को देखते हैं, आप प्लीज बुरा नहीं माना, लिख लेना, मैं सवाल से बिल्कुल नहीं, मुझे क्योंकि मुझे सबसे बड़ी फख्र यह कि मुझे जवाब नहीं आता तो मैं कहूंगा मुझे नहीं आता, मैंने गलत कहा मैं सॉरी कर लूंगा, मैं और क्या कर, तो आखिर में हम ले लेंगे कि मैंने मैडम से वादा किया कि 1.5 घंटे के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अल बारी, हम अशिया को बरी करने के बाद अब उनका ख्याल करने की कैफियत में आने की कोशिश कर रहे हैं, और अल बदी कि हम चीजों का ख्याल करें। अब मुझे यहां से एक और बात समझ आई जो मैं एग्जाम्पल देना चाहता था, अकाए दो जहां। अब इसको साइंसी रूप से दूर करके देखें, क्योंकि आज आखिर में वाकई मेराज के ऊपर जो न्यूटोनियन आर्गुमेंट और एंस्टेनियन आर्गुमेंट है उसके एक अल्टरनेट आर्गुमेंट आज हमने बिल्ड करके जाना है। आकाए दो जहां एक लकड़ी पे ऐसे खड़े होके खुतबा फरमाया करते थे, आकाए दो जहां को उन्होंने कहा बैठ जाए कि लकड़ी रखा, वो ऊंचे चीखे मार मार के रो रहा है, ए डोंट टेक मोहम्मद अवे फ्रॉम मी, मुझे सब कुछ दूर कर दो, I can live without food, I can live without water. Hey, don't take away Muhammad. And the only reason was because Muhammad looked beyond tree. What we look, कुछ भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं किस टिश्यू से मैंने अभी खून साफ किया, ऐसे किया, जेब में रखा, अभी किसी डस्टबिन की नजर हमारी, हमने अपनी मोरालिटी को एक्सरसाइज करने की कोशिश ही नहीं की उन अशिया की तरफ जो अभी खामोश है। फिजिक्स ने तो मजाक बना लिया, 70% डार्क मैटर, 30% नोन है, 3% हम जानते हैं, उसकी बुनियाद, उस 3% की बुनियाद पे जो कि इवॉल्विंग है, हमारे ऐसे ऐसे क्लेम्स है कि खौफ आता है। क्या आप उन्हें कहें कि यार मैं सूरज के अखलाकी पहलू पे बात कर लूं, तो वो कहते हैं यार आर यू फनी, इसका अखलाकी पहलू कौन सा होता है? हर शय जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं, हम सबसे पहले उसका एक नाम धरते हैं, हम उसको एक नाम देने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ हमने, ये रैंडम बातें हैं, मैं कोई इतना अच्छा स्पीकर तो नहीं, तो आपने इस बस पकड़ते जानी है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इंसान के हवाले की थी। इंसान की लीडरशिप, ये सर्वेंट, स्पिरिचुअल, ट्रांजेक्शनल, ट्रांसफॉर्मर, LMX के मॉडल्स हैं यार। सबसे पहले आपकी लीडरशिप के ऊपर जिसने उंगली उठाई थी वो फरिश्ते थे, या के काल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, अल्लाह इसको ना बनाना, ये बड़ा सख्त है और ये लड़ेंगे नीचे जाके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काल इन्नी आलमु मा ला तालमुन, फरिश्तो तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। और आपको जो सबसे बड़ी चीज उस दिन दी गई थी वो एक ही थी, वो अल्लमल आदम अल अस्मा कुल्लहा, हर शय का हम नाम धर देते हैं। अब जब मैं साइंसी हलकों में बैठता हूं तो मैडम केल में, या आप शब्द केल में हो, कि मैं फिजिक्स सेंटर में जाता हूं, जो इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के सेंटर में जाता हूं लेक्चर देने, तो वहां पे हमने भी एक वहां ये लेक्चर भी दिया फिजिसिस्ट को कि आप शायरी क्यों पढ़ें, हमने फिजिसिस्ट को ये लेक्चर भी दिया कि आप अफसाना क्यों पढ़ें। बड़ी छोटी सी मिसाल है ताकि अखलाकी रूप कायनात का समझने के लिए कोई आपको बड़ा आर्गूमेंट ना दे। देखो एक ही हॉल था रिलोर फैक्ट्री प्यास में, वहां पे मैं बात करूं, मैंने कहा जी कोई केमिस्ट बैठे ग्रेट 20 के थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी व्हाट इज सन, तो उन्होंने कहा इट्स नथिंग बट अ बॉल ऑफ फायर, हाइड्रोजन है उसमें।
हाइड्रोजन एक्सप्लोजन और एक जगह पे मौजूद है। मैंने कहा नहीं, फिजिसिस्ट, उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो मैंने कहा जी व्हाट इज सन, उन्होंने कहा नहीं आई गेस इट्स अ स्टार, डेफिनेशन बदल दी। अरे शायर अजब लोग हैं, शायर ऐसे करके देखते हैं, हम कहते हैं सूरज नजर आया, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, इधर डूबे उधर निकले। अरे यार सूरज, पता नहीं साइंसदानों तुम लोग कहते हो गर्मी की ठंड की निशानी होता है, मुझे तो उम्मीद देता है यार। For me, it's, कौन सा हाइड्रोजन, I've never touched it. कौन सा स्टार, it gives me nothing but the highest form of hope of life. मैं वो लास्ट टाइम शायद शामिल किया आपके साथ, जॉन अपनी जिंदगी में एक बड़ा अहम शेर लेके कहते हैं कि यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या? According to physics, there is no sky. There is no sky. जहां पे हमारी आंख रुकती जाएगी हम उसे डिफाइन करेंगे स्काई। मगर अजब बात है कि मेसी जैसा जीव भी गोल करके, the very first thing he looks up there. The wisest of the scientists looks up there. ऊपर देखते हैं। तो ये कायनात में जो हमने ओवर साइंस में जाके चीजों के इतना सूरज को समझा कि हमें पता ही नहीं चला कि वो हमें उम्मीद दे सकता है। तो मैं जो बात समझाना चाहता कि हम चीज पे जिस तरह की निगाह डालेंगे वो हमें वैसे ही वस्तु दिखा देगी, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगी। आप जिस चीज को जैसा समझना चाहेंगे वो अपना वैसा रूप आपके सामने खोल देगी। आप साइंसी समझना चाहते थे, कायनात ने एग्जैक्टली बोलो तो पिछले 2400 सालों में अपना साइंसी सीना आपके आगे किया। साइंस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर आए, बोसन पार्टिकल पे आए, वगैरह वगैरह। अब हम समझना चाह रहे हैं तो साथ ही में पता चलता है कि ऐसा मॉरल डिक्लाइन आया है मगरिब में कि उफ उफ और अल्लाह अल्लाह, कि उसकी सबसे फाइनेस्ट तहरीक जो है वो गे तहरीक है, मतलब कि जो पब्लिकली डिस्कस हो सके। और इस तरह की हजारों तहरीकें चल रही हैं जिनका जिक्र करते हैं हम अपने मुंह पे हाथ रखें, और साइंस उन्होंने इतनी एक्यूरेट कर ली है तब भी हया आती है। सो व्हाट्स हैपनिंग, तो कायनात ने अपना जाहिर उन पे खोल दिया है और अपने बातिन को उनसे मुकम्मल तौर पर दूर कर लिया है। और कायनात का बातिन, कायनात नेक्स्ट लीजिएगा, कायनात का जो बातिन है वो प्रिंसिपली कहां से आता है वो हम यहां देखने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात बहुत फैंटेसाइजिंग लग रही है, अभी तक साइंटिफिक या फिलोसॉफिकल नहीं लग रही, कि सर हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए जो वैसे ही मुर्दा है, उनके अंदर तसव्वुर रूह जान सोच फिक्र तफक्कर मौजूद नहीं है। ये कुरान की आयत इब्ने अरबी ने इसे बार बार अपनी फतूहात में और फसूस में रेफर किया है, इन्ना अरज़नल अमानत अल्लाह समावाती वल अर्ज़ी वल जबाली, अल्लाह ताला ने फ्री विल बनाई। सुने एवरीवन, बी वेरी अटेंटिव, नाउ वी आर गेटिंग वेरी वार्म टुवर्ड्स आवर राइट डायरेक्शन। अल्लाह ताला ने भी फ्री विल बनाई और पूछा, कासिम आप लेंगे, अदनान आप लेंगे, मारिक, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमसे नहीं पूछा था, सबसे पहले पूछा था फ्री विल का समावाद से, आसमानों आप लोगे, आसमान का साइज देखा कभी, कभी एबिस का साइज देखा? सरकारें तो सरकार माफ रखें, हम डिटर्मिनिज्म में ही खुश हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर देंगे। फिर उनसे पूछा जमीन से, जमीन तो मेरा लोड लोगी, कभी जमीन की ग्रैंडियर देखा है? वह समाई जात रज्जी, अपने गिर्द भी घूमती है, अपने सन के गिर्द भी घूमती है और सन के साथ मिलके वॉर्टेक्स में भी घूमती है। आप उसका ग्रैंडियर देखें, उसकी स्टेबिलिटी देखें जमीन का, कुरानी आयत है। आप चाहे मतलब बाद में आप इस पर किसी भी किस्म की बहस कर लें, मैं तैयार हूं, आप लेंगे ये भार? जमीन की पहले पर्सनालिटी देखें। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी चीज बड़े मजे की है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पहाड़ों पर चढ़ते हुए आपका एक रिश्ता हार्मोनाइज हो वल जबाल। अभी कुरान में लफ्ज आया, अगर ये किसी ऑर्डिनरी बुक में आया होता तो मैं इतना इसको सीरियसनेस नहीं लेता। तसरीफुल आयात का जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हम इतनी गहराई में हर वर्ड पे रुके इस पे काम करते हैं कि जो जबाल है दैट्स स्ट्रेंज, भाई पहाड़ों को क्यों पूछा गया यार? फ्री विल हो गए? एंड देन द बेस्ट थिंग इज वाशफकना मिनहा वहामल इंसान, और इंसान हमेशा से, वाह यार कुरान इज वन ऑफ, मैं अभी इस बात को, अगर आपने गोरंग नाम से इंस्पायर होना है वो तुम जो वैसे ही बहुत ज्यादा है। इंसान की एक सिर्फ जो मेरे अंदर सबसे बुरी है, इंसान हमेशा का जल्दबाज, इंसान इतना जल्दबाज है, इतना अपनी जिंदगी में गुमराह हो चुका है
कि मैं किधर है वो भाई, मैं उसे फोन कर रहा हूँ कि मैं बाहर आ गया हूँ। और बेवकूफ मैं अपनी जिंदगी का वजह टाइम तो खुद निकाल रहा हूँ रस्ते में से, कब 2 घंटे खत्म हो गए, तुम कब आओगे यार, कम ऑन आई एम वेटिंग, अल्लाह करे 2 घंटे चल जाए। बिस्तर मर्ग पे गिर के 1 सेकंड के बदले मैंने लोगों को कुदरत के पूरे पूरे कारखाने नाम लगाते देखा। इंसान सदा का जल्दबाज, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, कल सुबह में 3 दिन पड़े हैं, अल्लाह करे कैसे दिन खत्म हो गए। एहतियात इंशा जी, एहतियात, फिर से ख्वाबों, फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी। और इंसान बला का जल्दबाज भाग रहा है कि आई एम गोना टेक द फ्री विल फ्रॉम द गॉड। और इकबाल ने उस बात को हमेशा के लिए, बल्कि सर इसी दफा हमने फूड स्ट्रीट में इस चीज का जवाब दिया, फ्री विल और डिटरमिनिज्म, बड़ा खूबसूरत जवाब है वो भी। इंसान ने कहा जी मैं फ्री विल लूंगा, मैं चूज करूंगा कि मैंने बाहर जाना है, मैंने अंदर आना है, मैंने किससे मिलना है, मैंने किससे नहीं, मैंने खुदा को मानना है या नहीं मानना। और इकबाल ने उसको एक लाइन स्ट्रेट रिफ्लेक्शन में इकट्ठा कर दिया, ह्यूमन इंटेलेक्ट इज नेचर्स अटेम्प्ट एट सेल्फ क्रिटिसिज्म। इंसानी अक्ल नेचर ने अपने क्रिटिसिज्म के लिए एक टूल रखी हुई थी शायद। नेक्स्ट स्लाइड करें, इंटरेस्टिंग बात से ताकि शुरू करें। वाओ वाओ वाओ, यानी कि कायनात 2 सूरतों में जोर पजीर होगी, जो मेरी पहली लाइन थी उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप थोड़े जरा बैचलर के स्टूडेंट्स हैं। द ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड एंड द सब्जेक्ट, मैं आप सबको सही तारुफ नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खोरा मिलाई है, मैं कायनात के मानी पैदा करने वालों में से हूं, मैं किसी कैपिटलिस्ट का नौकर नहीं हूं, मैं किसी का सबॉर्डिनेट नहीं हूं, मैं कायनात के मानी पैदा करता हूं शाम सोने से पहले, गिरा देता हूं वरना पूरी कायनात गिराऊं आप सबको। गॉन गॉन विद द विंड, सबसे पहली चीज जो कॉल मार्क्स, ऐसे नहीं इकबाल ने उसे कहा था बिना जबरील के आया है, इसकी वजह सुने कि मॉडर्न, अच्छा इस्लाम की जंग मुझे पता है साइंस से कम क्यों है, मुझे आप बताएं कि इस्लाम की मॉडर्न जंग फेसबुक सोशल इंटरनेट कम है, ये मौशी निजाम से इतनी बड़ी जंग क्यों है। इंटरेस्ट पे नहीं यार, इसलिए कि मौशी निजाम तुम्हें एलियनेट करता है, किससे, अपने आप से। मेरी महबूबा जब ऑफिस जाती हूं मेरे साथ नहीं होती, अल्बर्ट कैमू The myth of Sisyphus। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, सब बाहर निकलो, सारा आइडियलिज्म जो बनाया हुआ है भूल जाएंगे अभी तक, सारा आइडियलिज्म आप भूल जाएंगे। जॉन फरमाते थे अभी हम आइडियलिज्म की बातें करें, सुबह बसों की कतारों में खड़ा होगा इंसान, निंद्रतल होमो सेपियन इतना नीचे गिर गया। लास्ट स्लाइड कायनात का एक बड़ा तरीन रूप ऑब्जेक्ट है। मैं जो आज जो वर्ड लिख रहा हूं, ये वर्ड 2020 में वापस बुलाएगा, हमें जान देगा कायनात में बड़े तरीन, मैं आपको बता रहा हूं कायनात का बड़ा तरीन फलसफा मैंने एक वर्ड में याद लिखा है। मैम, मैम जी, नहीं नहीं, द बिगेस्ट थिंग मैन काइंड वर्क्स फॉर इज Authenticate me यार, मैं हूं ना। हम सारा दिन जनाबे वाला अपने होने के असबाब ढूंढते रहते हैं, वो कायनात कायनात नहीं है जो तुम्हें ऑथेंटिकेट ना कर सके। हम वर्क प्लेस में जाते हैं, विसिट ऑन अ चेयर, वी ग्रैब अ बॉटल, वी ड्रिंक इट, हेलो सदाब, हाउ आर यू जनाबे, और आमिर किधर है यार, कम ऑन, हैव अ पेन, कब जा रहे हैं शाम को। आप सारा दिन चाहते हैं कि कायनात आपके मेंबर मैं को मैं होने का मौका दे। आज का तालीमी निजाम ट्रू, और आज के तालीमी निजाम के बोझ, आज की वर्क प्लेस और आज के वर्क प्लेस के बोझ सबसे पहले आपसे आपकी मैं वापस लेते हैं। और कॉल मार्क्स का एलिनेट को लोग समझे एलिनेशन, नहीं 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 नहीं, वो कह रहा था कि आपके अंदर ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा कि जब आप हर शहर में अपने आप से दूर होंगे। मैं यहां एक बात को डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क का बहुत मशहूर वाकया सुनाता हूं, किताब अजीम कायनात का अजीम खुदा, मैं हमेशा से चंद वाकया देते हैं वही सुनाऊंगा ना, ताकि आज आप क्लियर हो जाएं ऑथेंटिकेशन के मानी क्या होते हैं और कायनात बाहर मौजूद है क्यों। भाई लिखिए मत, सिर्फ एक दफा यहां देख लीजिए, ये सारी बातें आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैम ये वाक्य इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वाक्य विच वुड विच
which shatters the history, ये साइंस की टांगें जिसे कांपती हैं, एंड इसका आतिशफिशां फटा और एशेज ने पूरे आसमान को घेरे में ले लिया, एंड इज 1933, आतिशफिशां ने पूरे आसमान को घेरे में ले लिया, हर तरफ काले छा गई, एक दिन दो दिन यौमा वायदा तनाना सलासा अरबा नहीं जारी, चार पांच छह, छह से सात दिनों में वो नहीं गए, आखिरकार एशेज झट गए। वाओ दोस्तों, फिर एक यूके के अखबार ने खबर लगाई, क्योंकि एशेज थी तो हमें स्काई नजर नहीं आता था, आसमान नजर नहीं आता था, तो उसने फिर कहा द एशेज वेंट अवे, पीपल कैन सी द स्काई, लोग आसमान को देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस, द फेथ हैज बीन रिस्टोर्ड, आसमान नजर आने लग गया है, ईमान बहाल हो गए हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि कायनात में एक तसव्वुर लेते हैं, एक सोचो, सिर्फ इतना तसव्वुर माना होता, कायनात में सोचो पत्तों के रंग हरे ना होते, कायनात में पानी का रंग एक्वा नेचर में ना होता, ईंटें भूरी ना होती, रोड्स हमवार ना होती, दलदल फंसने वाली ना होती, फसलें लहलहाती ना, कितनी अजब कायनात होती। मतलब कि जस्ट हैव अ लुक, मेरे पास इससे बेहतर एग्जांपल शायद अभी ना हो, यार हाउ वंडरफुल क्लाउड्स लुक लाइक दिस एंड हाउ टेरिबल दे वुड हैव लुक लाइक दिस, या अय्युहल इंसानु, मेरी किसी जिसका हाफिज हो मेरी सलाह फौरन करा सकते, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिल करीम, ए मेरे इंसान, ये वाहिद आयत है जहां पे, चले इसका पहले हवाला जल्दी से मैं बना लूं, खुदा के पास 7 के करीब कायनातें मौजूद हैं, जिनमें से दूसरी का जिक्र सर स्टीफन हॉकिंग ने मल्टीवर्स के तौर पे कर दिया, अल्लाहुल लजी खलका सब अस्समावात वल अर्ज, 7 कायनातों में एक कायनात, उस कायनात के अंदर अरबों नेब्यूला, उसके अंदर एक नेब्यूला हमारा, उसके अंदर अरबों कायनातें यूनिवर्सिटी, उसमें एक हमारी, 9 प्लैनेट, इतना डिस्टेंस कि हम सोच नहीं सकते, हत्ता के न्यूटन ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल इवन विद द स्पीड ऑफ लाइट टू लीव द यूनिवर्स, उसके अंदर इतने प्लैनेट, उसके अंदर एक अर्थ, उस अर्थ के अंदर इतने सिटीज, उस सिटीज के अंदर इतने शहर, उसके अंदर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में कई यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक कस, कस में आज कितने लोग आए, एंड देन दिस मैन, एंड गॉड इज आस्किंग प्रिसाइजली लिविंग 7 यूनिवर्सेस, 7 अर्थ्स, 7 स्काइज, 7 मल्टीवर्सेस, इतने नेब्यूलास को छोड़ के अल्लाह मियां से मुखातिब हो कह रहे हैं hey, what's wrong here? Come, let's patch up. क्या हुआ यार? What are you angry about? يا أيها الإنسان ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسوَّك فعدلك, क्या मैंने तुम्हें, क्या हाथ पर करें अपना फुल, क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं बनाया, कोई कमी रह गई यार तुम्हारे हाथ में, ये हाथ इतना अजीम है, उस दिन जब हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार अपनी कार कुशा कार साथ, याद रखिए ये वो हाथ है जो लाखों टन की ट्रेन को एक पुश बटन से रोकता है, ये वो हाथ है जिससे मैं पूरी कायनात को हैंडल करता हूं, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर डिजाइन, खलका फसवका फअदलका, इज देयर समथिंग रॉन्ग मैंने कुछ अदल करने में, देन व्हाई आर यू एंग्री विद मी, ये बाहर ऑब्जेक्ट्स क्या तुम्हें मानवियत नहीं दे रहे, क्या तुम्हें सुबह सुबह ऑथेंटिकेट नहीं करते, ओपन अप द विंडो, व्हाट अ वंडरफुल ब्रीजी डे इट इज, पानी के किनारे बैठ के पानी की आवाज ना आ रही हो, पानी बह रहा हो तो अरे भाई क्या हो रहा है, पानी की आवाज नहीं आ रही, बहुत छोटी एग्जांपल, एक और, आज सुबह उठ के सूरज किसने देखा, हमने तो कायनात को ऐसा गुलाम किया, हम इसके बादशाह थे, बादशाह गुलामी कभी नहीं करवाता, इन्ना फी खल्क़िस समावाती वल अर्ज़ वख़्तिलाफ़ लैली वन नहार लायातिल उलिल अल्बाब, के दिनों आसमान के बदलने में निशानी अकल वालों के लिए अच्छा, 25 साल 365 दफा सूरज निकला, देखना मुनासिब नहीं समझा, आयत वो खाक समझ आएगा हमें, किसने आज सुबह उठ के गवाही ली कि सूरज बाहर आया, किसने किसने सोचा कि
आज देखें तो यार ये पानी समान का बहस ली हुई है कायनात की हजारों आयतें, ये सारे ऑब्जेक्ट्स दो हाथों में मौजूद थे कि हमें ऑथेंटिकेट करें और हमें मानी पैदा करें। नेक्स्ट स्लाइड, लुक एट दिस मैन, इंसान को फलसफे में सब्जेक्ट कहते हैं। जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो हमें ये बात सबके सामने रखते हुए काफी मुश्किल हुई, आप ब्रेन नहीं है यार, यू आर नॉट इक्वल टू योर ब्रेन एंड माइंड फॉर गॉड्स सेक। इंसान वो शय है और इतना तेज है कि आप सबके इल्म में है ये वाली बात कि देयर इज अ पिंक एलिफेंट इन दिस वर्ल्ड और उसके पास एक माउस है जो कि बर्बरी जैकेट पहने रखता है और उसके सर के ऊपर बैठा होता है और उसने हाथ में तलवार उठाई है माउस ने और उस एलिफेंट ने बड़े बड़े ब्राउन कलर के जूते पहने हुए हैं। आप सब इमेजिन क्यों कर रहे हैं साथ मुझे सिर्फ ये बताएं, इतना अजीम है इंसान, देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन नॉट क्रिएट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सब्जेक्टिज्म बिकॉज आई क्रिएट द मीनिंग ऑफ एवरी सिंगल एंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं मौजूद होता हूं और चीजों को असबाब मुहैया करता हूं कि तुम होगी और जो नहीं होने देता उसको मैं नहीं होने देता। इमाम गजाली कहते थे कि मैं आंख की साइंसी हालत पे अलहदा परेशान होता हूं और कैसे मैं लेंस डाउन करता हूं पूरी कायनात को अपने अंदर, मैं इस पे अलहदा हैरान होता हूं। वाओ, हम ये हैं The distortion is your brain. There was a person named as Heidegger. He was one of the finest German philosopher. And he said, we are nothing but Dasein. And trust me man, I went to German person to know the meaning. Because in literature, mein samajh nahi aate. Aur us bande ne Dasein ke kya maane kiye. Everyone, please get attentive. Usne kaha, Dasein hota hai. To be, होना। और मैंने कहा what is Dasein, चीजों का ना होना। और आप ये बात देखें कि हम अपने ब्रेन के सबसे मॉडर्न इंसान का सबसे बड़ी कोताही है अपने ब्रेन में, फोरम इज इक्वल टू इज ब्रेन, ब्रेन निकाल दो फोरम नहीं है। हाउ फॉल्सिफाइड थ्योरी, such a falsified theory it is, because brain is one of the components to take answers for my life, one of the components. Sach janne ke kai tarike hain, unme se ek rationalism hai, ek suna do lash wala, main pichle dino ek wafat ho gayi wahan chala gaya, to in theories jo main aapko bata raha hu unse main ghabrata bhi rehta hu, takrata bhi rehta hu, rota bhi rehta hu। वो साहब से मैं रात को मिलके आया कार्डियोलॉजी सेंटर में, तो उनसे मुलाकात हुई, बेहतर थे सुनने में आया। कल सुबह जब वो जुमे का दिन था पता चला वो फौत हो गए। मैं जल्दी से भागकर अस्पताल पहुंचा तो अंदाजा हुआ कि उनकी लाश को उनको जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए। लाश के पास जब मैं पहुंचा तो वो काफी भारी थी। फलसफी या फलसफे पढ़ने के नुकसान ही हैं कि जिंदगी आसान नहीं रहती, तो मैं उनको हला रहा था वो आते नहीं थे, तो बार बार मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे करके वो पीछे हो जाते थे, तीन चार लोग और भी साथ मौजूद थे, तो मैं भाग गया दूर। आई पिक्ड अप माय फोन एंड आई कॉल्ड माय एल्डर ब्रदर शेरी भाई, आई सेड व्हाट यार, रूह के बगैर जिस्म की ढिटाई यार कोई अच्छी नहीं लगी। विदाउट द आइडिया ऑफ सोल मुझे तो खाली पड़े जिस्म की कोई रेजिस्टेंस यार खौफ दे रही है। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी वजह तखलीक आपका दुश्मन होता है, मौजूद तो होता है ना, आप उसकी लड़ाई में जिंदगी पा रहे होते हैं, लाइफ होती है आपके दुश्मन के अंदर, आपको उसके वजह उसकी लड़ाई के वेरिएबल्स पता होते हैं, मगर इन दिस केस नॉट एट ऑल। एक वाक्य आजकल ऐसा रिकॉर्ड लगा हुआ है ताकि ये लफ्ज़ जिंदगियों में सरायत कर जाए,
फरीदुद्दीन अत्तार अपनी दुकान पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स के मंतक उत्तैर जिसे कहते हैं उसके राइटर, वो कभी भी अव्वल दिन से बहुत बड़े फलसफी या राइटर नहीं थे, अपनी दुकान में बैठे इतर बेच रहे थे, परफ्यूम बेच रहे थे। तो इतने में एक बंदा आ गया और उसने कहा पैसे दें। तो अत्तार ने कहा वो भी फलसफी तो थे ही थे, क्यों मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं देता। बहुत अमीर आदमी थे अत्तार और इतर का कारोबार करते, बहुत गौरतलब बात है इस बारे में। एक बंदे ने कहा कि वाह यार ये बात सुने अगली। उसने कहा इतनी मोहब्बत करते हो गल्ले से, इसे छोड़ोगे कैसे? हम हर शय छोड़ सकते हैं मांस वाले शय के जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तसव्वुर आते रोंगटे खड़े होते हैं। सीधी सीधी तशरीह उसने मुंह पे मार दिया, हाकम मुत्तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की, इतनी गल्ले से मोहब्बत करते हो इसे छोड़ोगे कैसे? और अत्तार से मुंह देख लिया, और अत्तार राइटर थे तो उन्होंने फट जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें मोहब्बत नहीं तो मांग क्यों रहे हो? तो उसने कहा इतना मांगता हूं कि कम अज कम जिंदा तो रह सकूं। तो अत्तार ने कहा मर जाओ। उस बंदे ने वो जवाब दिया जिसने फरीदुद्दीन अत्तार का सीना फाड़ के रख दिया कि मिल्टन, दांते, फरदौसी, भगवत गीता के साथ पांचवीं बड़ी तवील नज़म हमेशा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड समझी गई, तवील तरीन नज़म। उन्होंने कहा तुम क्यों मांगते हो? उन्होंने कहा मैं जिंदा रह सकता हूं। उन्होंने कहा मर जाओ। उस बंदे ने जवाब दिया जिसने अत्तार की आंखें फाड़ दी, उसने कहा तुम मरने के लायक नहीं हो, यू नॉट वर्थ डाइंग फॉर, द बेस्ट मैन आर दोज हु हैव रीजंस टू बी अलाइव बीइंग एंड द बेस्ट मैन आर दोज हु हैव रीजन द परफेक्ट रीजंस Even to leave this world, दाजनीश। बड़े इंसानों की जिंदगी का अख्तिताम देखा है कभी आपने? सरदाद नादाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। बड़े लोगों की जिंदगियों में जीने के असबाब बड़े और मरने के असबाब उससे भी बड़े मौजूद होते हैं। कि शिमर जब आएगा तलवार लेके और कहेगा कि मैं आपको मार दूंगा तो कहते हैं मुझे मौत से डराते हो। दुनिया की बड़ी तरीन और मुश्किल तरीन किताब जब उसने लिखी सार्त्रे ने, तो उसने उसका नाम रखा बीइंग एंड नथिंगनेस, मेरे होने और ना होने के सबाब। ये मॉडर्न लिटरेचर की वो किताबें हैं जिनको हाथ लगाना मरने से पहले किसी हद तक लाजिम हुआ हुआ है हम पे। तो उसने अत्तार को बीइंग को कहा तुम्हारे पास नॉन बीइंग होने के तो जराए नहीं है, तुम क्या चीज बात करोगे मुझसे? तो अत्तार ने कहा अच्छा तुम्हारे पास मरने की वजूहात है? लास्ट स्लाइड पे जाएगा जितना जल्दी जा सके, जल्दी 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 यार काफी यार, लास्ट स्लाइड पे भाई लास्ट पे। तुम्हारे पास मरने के जराए हैं? उसने कहा है। दूर गया इन्ना लिल्लाहे व इन्ना अलैहि राजिऊन, खुदा की इमानत है खुदा को वापस कबूल हो। स्टूड बैक अपने ऊपर चादर ली, अत्तार ने जाके देखा वो इंसान मर चुका था, उसके पास जिंदा रहने की मोरालिटी भी मौजूद थी, उसके पास मरने के मॉरल जराए भी मौजूद थे। मरने का दूसरा मॉरल इमोरल जराए मैं आपको बताता हूं, कायनात बेमानी है, कायनात का कोई मकसद नहीं, कायनात से रिवेंज लो, सुसाइड कर लो, जिससे आप अल्बर्ट कैमू हेडगर का स्कूल जो उन्होंने आगे जाके बातें की। मगर मॉरल इंसान अपने जीने के राइट्स पैदा करता है, अपने जीने में मॉरालिटी पैदा करता है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मरने की भी मॉरालिटी देके जाता है अखलाकी तरीके से। तो एक नीचे कीजिए, ये फिजिक्स ने बात की है, इस पर मैं यकीन नहीं रखता, ये मैंने वैसे ही डाल दी है स्लाइड, ये बिल्कुल गैर हकीकी है, मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना कि क्लिच मारने के लिए, लेकिन एज एन आइडिया अच्छा है कि ये हमारा यूनिवर्स का कंप्यूटराइज मॉडल है। ऐसे मॉडल्स जो है आप लोगों के इल्म में होना चाहिए, MIT में कैटास्ट्रोफिक स्टडीज में ऐसे मॉडल्स रन होते रहते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो न्यूरल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन है,
तो ये हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ब्रेन और यूनिवर्स के दरमियान एक अजब सी हम आंगी है कि हम जिस चीज को समझते हैं उसका उसका नाम रख देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हाँ, हाउ वी विल अचीव ऑथेंटिकेशन जब हम अपने जहन की कमजोरियों से वाकिफ नहीं है। इस वक्त का पूरा इल्मी निजाम, मैं मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूं, इस चीज पर खड़ा है और इसकी एक्सट्रीम हद ये है कि तुम्हें वही की जरूरत नहीं, अकल काफी है तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने के लिए। आई मैं गलत हूं तो इसका तुम ना फैसला आप करेंगे ना मैं, आप मेरे से लिखवा लें कागज पे 2025 में ये क्लेम। वैसे ही पहले भी आया हुआ है, वो अपनी शक्ल बना के आपके सामने आ जाएगा कि इंसान दाना है, मार्स पे जा चुका है, कभी में उतार चुका है, दूर से लोगों के एक्सरेज हो रहे हैं, चीजें हो रही है, कॉनकॉर्ड जैसे जहाज भी हमारे लिए आज मानी नहीं रखते, हम इससे भी तेज बनाएंगे, सेफ बनाएंगे, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई डोंट नीड डिवाइन इंटरवेंशन। ये एक्सट्रीम है उस डेवलपमेंट की जिसको आज हम होते हुए देख रहे हैं, जिसमें इस तरह से मॉरल डिक्लाइन है और इस तरह से साइंसी अरूज है। The science is going higher and higher and higher and higher every single day, and morals are falling every single day. You can wear a short skirt, but you can't wear a veil on your head. Though even your Jew lady, मैं किसी उसमें की बात नहीं कर रहा अगली example में। आप, you can wear a very bad dress on the beach, मगर अगर आप Christian nun हैं, आप नहीं जा सकते। एंड फिर कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको अगर हम लीगलाइज थ्योरी में बात करें तो अकल और हैरान होते जाते। आगे आइए, नेक्स्ट और आगे करिए। वाह, गहरी बातें हैं तो उसको मैं वो बिगाड़ के उसको काटा। ये हमारा पूरा क्रक्स है। तो फिर अगर कायनात साइंसी नहीं है और अगर कायनात अखलाकी है, अगर मैं अपने उस्ताद की बात करूं अहमद जावेद साहब, तो वो फरमाते हैं कि कायनात का बेसिक सब्सटेंस अगर मैं अखज करना चाहूं वो मॉरल है, उसका अखलाकी होना है। अब ये बात समझ नहीं आती जब तक हम वाहिद हदीस पे नजर ना डालें जो कायनात के बनने की वजह के ऊपर बात करना चाह रही है। जो आयत मैंने पहले दुराई अवलम जरल्लजीना काफरू वाली वो बता दी कायनात बनी कैसे, यौम नतवी समाई कतई से जुलिल कुतुब वो हमें बताती है कायनात लिपटेगी कैसे, इन्नल इंसान लफी खुसर इंसान खसारे में चला जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारी आयतें बनने की बातें कर रही हैं और गिरने की बातें कर रही हैं, इनमें से अभी तक कोई बात हमें नहीं बता रही कि हमारा बेसिक व्हाई आर वी हियर टुडे, Why do we exist, by the way? और हमारे होने में ऐसी क्या वजह मौजूद है कि आज हम सब होते रहे। बहुत मशहूर हदीस है, कुंतु कंज़ मख़फ़िन, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना हूं और ख्वाहिश की कि मैं चाह जाऊं। True? Come on, यार। Yes, of course. Okay. And you did not realize, just like the ummah, that I have translated it hell wrong. हमने क्या जरूरत है? Sorry? तो क्या जरूरत है हमने? देखिए स्क्वाइश की कि हमने चाहा जाए। Wonderful, wonderful. This boy is available. इसलिए कि खुदा तो ख्वाहिश नहीं करता, खुदा की पोटेंशियल और एक्चुअलिटी तो हमेशा एक हालत में होती है। ख्वाहिश कैसे कर ली खुदा? क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक आयत मौजूद है हदीस के ऊपर, बदी उस समावाती वल्लद वज़ा कज़ामरन पैन्नमा जकूलू कुन फयाकून, वो तो कहता हो जाओ और हो जाती है। Then why do we need this world anyway? And what is happening by the way? Where are we heading in totality? How the universe is moral? Oh my God! So the fourth word, kuntu kanzam makhfin fa abaktu. God was a hidden treasure. Bible की पहले आपको सुना दूँ इस पे? बाइबल की इंसेप्शन पे भी बात बहुत प्यारी है। फर्स्ट देयर वाज अ वर्ड गॉड, ये ल्यूक में है, जो ल्यूक की बाइबल है, पांच बड़ी बाइबल है, मैथ्यू मार्कस लूका जॉन बर्नबास, बर्नबास को मतलब ये हाँ
नहीं गिनते, मुसलमान बारनाबास को बहुत इज्जत से समझते हैं। ल्यूक में है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड गॉड, द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद गॉड। नाउ दिस वर्स केम डायरेक्टली फ्रॉम द ल्यूक बाइबल ऑफ ल्यूक। When I look at this verse, I come to know that मैं छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा, nope, that's wrong translation says Ibn Arabi, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे हुब हुआ, I loved that people should be created for love, and this thing was kept in a mystery from Ummah in 2400 years when he kept on creating a marriage between science and religion. Iqbal ne is cheez ko aise samne rakha, pura misra suna deta hu ke sitara kya meri taqdeer ki khabar dega, wo to khud farahi aflaq mein hai kharo zaboon, sabak mila hai ye miraj e mustafa se mujhe ke aalme bashariyat कि जद में है गर्दूं, कि हमें बार बार ये बताया जाता है, लोग बैठते हैं और बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ऊपर गए, वो खुद गए, एक फिरका कहता है नहीं नहीं वो ख्वाब में गए, दूसरा फिरका कहता है नहीं वो खुद गए बुराक आया था, फिर दूसरा फिरका कहता है नहीं वो ख्वाब में गए, और इकबाल बैठे कह रहे हैं यार केड़ियां गल्लां च पए हो, व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, कैन आई नो, द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग इज पीपल that today's lecture title was is universe moral, kya kainat akhlaqi hai, there is a prophet named Musa and he's been saying his whole life lan tarani oh god, allah taala main tumhe dekhna chahta hu, Musa mujhe sunte ho kya kaafi nahi hai, nahi khudawand kareem, I'm see you, I'm mad about you, mujhe pyar hai aapse, maine aapko dekhna hai, कायनात का बड़ा तरीन सवाल, there is only Mark Vernon says the God, सरकेर की गाड़ फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी फितरी भूख आखिर में एक तसव्वुर पैदा करना है, उस तसव्वुर का नाम बेशक खुदा है, बड़े से बड़े बायनोमिनल थ्योरम्स यूसलिड इन ज्योमेट्री कोई नहीं हमें बताता क्यों बनी थी, सीके राजू वाली किताब अभी मैंने एक मंगवाई है वो इन चीजें बताएगी, सब बातें देखो कायनात के बाहर किसी को तलाश करना चाह रहे हैं, ऑल दी ट्राइंगल के बाहर सर्कल कहां है, ये सब बातें मूसा कह रहे लन तरानी, खुदा मैं आपको देखना चाहता हूं, खुदा मैं आपको देखना चाहता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कोई वाक्या नहीं मिलता, सलमान के पास ये ताकत है, दाऊद के पास वो ताकत है, मूसा कलीम है देखने के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह के रसूल कायनाते दो जहां के बादशाह को ऊपर बुलाया जाता है, आप कायनात के सबसे बड़े सवाल के सामने रूबरू मौजूद हैं, फरिश्ते डर चुके हैं, कायनात फड़फड़ा रही है, और आका दो जहां के सामने कायनात का सबसे बड़ा सवाल मौजूद है, कायनात की सबसे बड़ी ट्रूथ मौजूद है, कायनात की सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस मौजूद है, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मक्के के मदीने के लोग परेशान है, मैं नीचे कब जाऊंगा, go down, is the meeting done, this is humanism, this is the inqilab e muhammad, even when you have god in front of you turn back, oh shit, he's falling, I have to catch him, morals ojdi phenki jati hai, कायदो जाली फेंके कूड़ा या उजड़ी कुछ भी कह ले, आगे जा रहे हैं एक दिन उजड़ी नहीं फेंकी जाती, अंदर जाके कहते हैं यार अरे बुढ़िया तेरा दिल बड़ा होता है फेंक लेना, यू कैन डू इट, कम ऑन आई डोंट माइंड, बात ऐसी है, अब वो इस यूनिवर्स मॉरल, तुम चीजों को साइंसी हक से देखो वो अपना साइंसी हक तुम पे खोल देंगी, तुम चीजों को हुब से देखो वो अपना हुब का सीना तुम पे खोल देंगी, अजब बात है कि बुद्धा जिस पत्थर पे बैठता है वो पत्थर बुद्धा का बेड बनता है, मेरा नहीं बनता, मुझे छुपता है, क्योंकि बुद्धा का वाहिद लेंस था लव, मौलाना रूम के पास एक लेंस मौजूद था कायनात में, लव, कायनात में लव का रूप खोल दिया, मैं एक लड़की सपोज
मैं हमेशा ये एग्जांपल था, मैं एक लड़की से शादी करने जाता हूँ, उसे पता चले मैं दुपट्टा वाली लड़की को पसंद करता हूँ, जितनी मर्जी सेक्युलर हो दुपट्टा लेके आ जाएगी, अब वो अपनी असल नहीं कुछ पे खोल रही, वो मेरे डिजायर को अपने ऊपर खोल देगी। कायनात अपने असली रूप इंसानों से छुपाए हुए है, हमने एक मौजू जहन का बनाया, साइंस उसने एक चीज सीखी, सेल्फ रेप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ और बदल जाओ। और अगर हम उसी कायनात अर्थ जिस पे टेल्स ऑफ माइलाइटस आया, जिस पे पाइथागोरियन आया, जिस पे एपिक्यूरियन आया, जिस पे मूसा आए, ईसा आए, आज मैं भी वहां मौजूद हूं, आज भी समझ नहीं आ रही, और कायनात बेताबी से कह रही है क्या क्या मैं कुछ बात करूं आपसे। इकबाल यही फरमाते ना कि ये गुल से तुम क्यों नहीं बात कर लेते, Why are you not discussing something with the plant, with the flowers, with the stones? तुम्हारे लिए कायनात इतनी बेमकसद हुए क्यों बैठी है? Next slide. My last slide comes from मौलाना जलालुद्दीन रूमी's मसनवी। कहते हैं कि दो बड़ी किताबें मौलाना ने लिखी हैं, एक दीवाने शम्स, कहते हैं वो मोहब्बत का कारखाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कायनात में कोई दी एंड नहीं होता दोस्तों, दी एंड इमोरल अख्तताम को कहते हैं, जिसके बाद एनिहिलेशन आ जाए, चीजों के होने के असबाब खत्म हो जाए। जो चीज हम यहां करना चाह रहे हैं वो ये है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस थीसिस को हमेशा पेश करते हैं बांसुरी के रूप से। एक बांसुरी, एक दरख्त कटा, उसमें से एक बंदे ने लकड़ी का हिस्सा उतारा और उसमें से उसने बांसुरी बना ली, और वो उस बांसुरी को बजाए चला जाता था, बजाए चला जाता था। एक दिन उस बंदे का दिल भर गया और उसने उस बांसुरी को फेंक दिया। वो बांसुरी उठी और उसने बड़ी कोशिश की कि वो जाए और उस दरख्त के साथ जुड़ जाए। वो आज भी लकड़ी है, दरख्त भी लकड़ी है, वो रोज जाके उसके साथ जाके जुड़ती है, मगर वो दरख्त नहीं बन पाती। मौलाना ने फरमाया इंसान की जिंदगी कुल में बस समझने यही है, रूह खुदा का खल्क, खुदा के अम्र, मगर आज सुराख इतने कर बैठे अपने में कि जब मिलना चाहे तो दो ही कभी खत्म ही नहीं हो पाए। कि गालिब कहते हैं जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है। कायनात के ऊपर एक अखलाकी नजर डालना सीखें, कायनात के साथ मेडिटेट करना सीखें, कायनात को अखलाकी अंसर बनाना सीखें, ये आपके साथ बात करेगी। बिल्कुल आखिरी बात यही है कि कायनात कभी भी हल नहीं हो सकेगी जब तक ऑब्जेक्ट तवाजुन में ना आए और सब्जेक्ट सुकून में ना आए। हम ऑब्जेक्ट को रोज तवाजुन में ला रहे हैं, मगर इमोरलिटी की वजह से हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल इधर उधर फिर रहा है, भाग रहा है, और इमोरलिटी के ऊपर और मॉरल डिसीजन मेकिंग के ऊपर मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि एक दिन मस्जिद के बाहर मैं बड़ी सी खूबसूरत पोशाक पहने खड़ा था और एक बच्चा आया, उसने कहा मौलाना अस्सलाम वालेकुम, मौलाना हाथ मिलाने लगे तो वो बच्चा भाग गया, और मौलाना बाहर खड़े हैं और हजारों लोग मौलाना से सवाल करना चाहते हैं और मौलाना जवाब नहीं दे रहे, बच्चे के इंतजार में खड़े हैं, और आखिरकार बच्चा अंदर जाता है, वजू करता है तो कहता है दो नफल भी पढ़ लूं, नफल पढ़ता है, बाहर आता है, मौलाना से हाथ मिलाता है, चला जाता है। लोगों ने पूछा कि मौलाना आप क्या करते थे, इस यूनिवर्स मॉरल? मौलाना कहते हैं कि अकल तो ये कहती थी चले जाओ, मैं सारा टाइम खड़ा होकर ये सोचता था कि मेरे आकाए दो जहां के बादशाह मेरी जगह पे मौजूद होते तो वो क्या करते, उस बच्चे का इंतजार करते। मैंने आंखें बंद करके सोचा इंतजार करूंगा रसूल अल्लाह को, एक दिन एक बंदा खड़ा करके जाता है कब तक, पैगंबरी का बोझ कंधों पे है, इस कायनात के बाद अगली कायनात को तर्जुमानी देनी है, शरा डिफाइन करनी है, सर नाप के असूल डिफाइन कर रहे हैं, अपनी बेगम का झुमका ढूंढ रहे हैं। कायनात में शरीयत कायम करनी है, सुन्नतें सारा कुछ करना है,
हुसैन और हसन की लड़ाई देख रहे हैं, पकड़ लो हुसैन इसको। अरे 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 इन्हें मत कुछ कहा करो, ये मेरे बेटे हैं अली, कमर के ऊपर बोझ है अली, तुमसे नहीं उठेगा पैगंबरी का बोझ। और इब्ने ज़ियाद को छुप के दरख्त के पीछे से देख रहे हैं, पहला कायनात का साइकोएनालिसिस, जो पागल हो गया था इब्ने ज़ियाद, एक ज्यूश लड़का था, वो पागल हो गया था, तो रसूल उसे सुनना चाहते थे और ज्यूश और उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं। मक्का के लोगों के खिलाफ बड़ी तरीन जंग करनी है, जा रहे हैं, कह रहे और ऊंटनी तुम क्यों रोती हो, मोहम्मद के होते कोई रोता है भला, वो मुझ पे बहुत जुल्म करता है, और आका दो जहां उसके लिए खड़े हो जाते। आज उस आका के मानने वालों के डिमॉन्स्ट्रेशन जून्स में मोरालिटी क्या, एथिक्स नामी कोई चीज, एथिक्स तो एक प्रैक्टिकल स्कूल होता है नीचे यार छोटा सा, और उस आका के मानने वालों की मोरालिटी नामी चीज की मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। मैं अभी जब पीटीवी शो पे था तो किसी ने मुझे कहा कि मैंने खुलेआम बोला कि वो इंसान की नस्ल से मैं हूं जो कह रहे हैं हिंदा हिंदा, मैं जानता हूं तुम यहीं बैठी हुई हो, मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं, मैं जाओ मैंने तुम सबको माफ किया, वो जिनके रस्तों के पत्थर वेट करते थे वो आज कब गुजरे, इतने दिनों के मोहम्मद यहां से गुजरे नहीं। आपको पता है कि ऊपर आसमान परेशान रहता था, ना जाने कब आएंगे यहां से, खत्म कर दे इस बहस को एक बहस में, खुदा नूर है, वो बात आ गई ना। कायनात का बड़ा तरीन शेर, मैं आज ही सोच रहे जाते कि वो मैंने कहां कहूं, मेरे अंदर तड़प रहा है, जो अपने महबूब के बारे में लिखा गया वो एक ही शेर है, जो अपने मुर्शिद के बारे में मीर खुसरो ने लिया और मैंने उसे हमेशा आकाए दो जहां के बारे में लिया कि आए जगत उजियारो, आका आपके बगैर अंधेरा हुआ पड़ा, आए और रोशनी कर दें। अब्बू जहल वो अकलमंद इंसान था कि जो गोबर को सूंघ के बताता था मक्के का ऊंट है या मदीने का ऊंट, मगर अली कहते थे मेरी टांगे दर्द करती हैं और आंखों में दर्द रहता है, चलूंगा इसके साथ, मुझे ये अकल नहीं चाहिए, मुझे ये दानाई से लेना देना कुछ नहीं है, अकल की इंतहा क्या है, अकल की इंतहा है बेताबी, इस मर्ज की मगर दवा हूं मैं। वो इंसान जिसने मूसा ईसा की शरीयत को डिफाइन किया, वजू के तरीकों पे बात हो रही है, कुरान लिखे जा रहे हैं, मसाजिद बन रही हैं, अब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइन हो रहा है, एक बंदा भागा भागा आता है या रसूल अल्लाह जना कर इधर आके थे, आके दुजा जना कर बैठो, फिर इधर मुंह कर बैठो, फिर आके दुजा बुरा कर बैठो, देखिए मेरी तरफ कर्म करे, अतकुलु रायना कुलुन सरना वस्मा, मेरी तरफ देखा करे ना, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। तो उन्होंने उसे फरमाया कि उमर देखो होश में है, इज ही नॉट ड्रंक, और फिर का हद लागू करो। और आज हमारी मोरालिटी ये है कि हम जब तक किसी की बुराई बाहर निकाल के उसको तजहीक का निशाना बना ले हमारा चैन नहीं पड़ता, और रसूल वो हैं जो कि जिन्होंने करना है। अब हम बिल्कुल मॉरल एग्जांपल्स लेते हैं कायनात की, पैगंबर रसाले वाले रसालत वाले वो होते हैं जो आज को कल को परसों को हर शय को जानते हैं, कायनात के एक कायनात की नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ मोरालिटी निभा रहे हैं, सात सात बाप हैं, फातिमा की उम्र हो रही है। मुझे हर महफिल में अल्लाह करे कि अगर कोई अच्छा काम हो पूछा जाता है खुरम भाई आपका क्या ख्याल है पसंद की शादी पे, पैगंबर आगे भी देखते हैं मशरिक मगरिब शब सब मालूम होता है, फातिमा के पास जाते हैं, मेरी गुड्डी मेरी लाल मेरी बेटी मेरी इतरत मेरी जहरा मेरी कौसर सदा सलामत रहो, अच्छा मेरी बात सुनो, बाप भी है और पैगंबर वक्त भी है, कहते कि जान ले लो तो जान ले दे दे, अली को जानती हो, अली कौन है, शेर खुदा खैबर पे एक हाथ से उठा के मारने वाला अली, वो जो इल्म को डिफाइन करता है, इल्म अपनी अप्रूवल अली से लेता है, प्रिंसिपलाइज कराता है अपने कॉन्सेप्ट को,
अली अच्छा है, अगर तुम कहो तो मोहम्मद। दिस वॉज अस, ये हम थे और आज हम क्या बन गए, हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बन गए। कोई फलसफा मौजूद नहीं, कोई बात हमारे पास मौजूद नहीं, हर शय को साइंसी सही और गलत के धारे में हमने तोलना सीख लिया। क्या फरमाते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अकल सही और गलत से दूर आना भाई, वहां देश है मैं तुम्हें अल्लाह से मिलाऊंगा। देखो जी दाढ़ी देखो, वो जी गुत देखो, वो जी वनू तो कपड़े पा, भाई आप कौन है? एक मैं, एक लौट आप सह नहीं सकते, 45 किलोमीटर से तेज भागे फेटा खा के गिरते हैं, कायनात का इतना बोझ पैगंबराना सिफतों वाला आप उठा बैठे। तो जब भी आप इस साकित कायनात के ऊपर एक दफा दोबारा आज अपने कमरे के दरवाजे को गौर से देखेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ खूबसूरती नजर आ ही जाएगी। फिर अम्मी को बताना नहीं पड़ेगा इसे आहिस्ता बंद करो, आपका अखलाकी रवैया माँ की तरफ और दरवाजे उस ऑब्जेक्ट की तरफ भी हर वक्त कायम रहना चाहिए। मुझे बताएं अब कभी कपड़े सलवटों वाले होने चाहिए, कभी जूता डस्टी होना चाहिए, कभी कभी दुपट्टा फटा हुआ होना चाहिए, कभी कोई शय आपकी गंदी होनी चाहिए, उस शय के भी अखलाकी अकदार निभाते जाएं। अल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, खुदा को खूबसूरत अशिया पसंद है। तभी वो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह का मा कशफ अल्लाह का मा अजमला का मा आसना का। लाखों हजारों दुरूद और सलाम इस लेक्चर के खत्म होने से पहले उस आकाए दो जहां पे जिसके छोटी सी बड़ी सी फौज के बदतरीन सिपाहियों में से एक मैं शामिल हूं, होने की कोशिश करूं कभी। आखिर में मेरा दावा सिर्फ एक, सब दोबारा इस कायनात को बेहतर कर सकते हैं।